Good morning students, how are you all? I hope you all are fit and fine. देखो बच्चों, हम कर रहे थे अपना recognition section, हमारा था 1 to 4. ठीक है, देखो बच्चों, आपको पहचान होनी बहुत जरूरी है. जब तक आपको पहचान नहीं होगी, आप आगे कुछ भी sort out नहीं कर सकते. तो इसलिए मैं आपके लिए रोज एक नई नई activities कोशिश करती हूँ ढूंढने की. तो आज मैंने एक आपके लिए गेम लाई हूँ. देखिए, मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, उसमें बहुत से नंबर्स लिखे हैं 1 to 90, और ऐसे ही मेरे पास कुछ नंबर्स हैं. लेकिन आपको मैंने क्या सिखाया है, 1 to 4 रिकॉग्नाइजेशन. अब आप बोलोगे ना तो हमारे पास ये बोर्ड है ना नंबर है, तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि को कुछ नंबर्स नोटबुक पे लिखिए और कार्डबोर्ड कट करके कुछ ऐसे ऐसे डिजिट्स नंबर्स बनाकर उस पर लिखिए. अब देखिए, मैंने इस नंबर्स को शफल करके ऐसे रख दिया, राइट. अब मैं क्या बोलूंगी, आप अपने बच्चे से बोलेंगे पिक द नंबर 1, वेयर इज नंबर 1. कैमरामैन प्लीज जूम इट, वेयर आर द नंबर 1, इज दिस नंबर 1, टेल मी, इज दिस नंबर 1, ओ नो, ओके, नाउ टेल मी, इज दिस नंबर 1, नो, ओके, देन इट्स नंबर 1, यस, वेरी गुड. तो आपने इसको उठाना है और नंबर 1 पे रख देना, राइट. अब मैं पूछूंगी पिक द नंबर 4, वेयर इज नंबर 4, पिक द नंबर 4, इज दिस नंबर 4, टेल मी बेटा, गिव मी रिप्लाई, इज दिस नंबर 4, इज दिस नंबर 4, टेल मी, यस, बिल्कुल सही. तो आपने इसको नंबर 4 पे, आपने ढूंढना है नंबर 4 कहाँ लिखा है, उस पर आपको नंबर 4 लिखना है. देखिए बच्चों, इससे दो फायदे हैं. देखिए, एक तो आपको कार्डबोर्ड पर नंबर पढ़ना है, वेयर इज नंबर 4, तब आपको नंबर 4 रखना है. एक जब मम्मा या मैम पूछेगी पिक द नंबर 4, तो आपको फिर से नंबर 4 ढूंढना है. तो इससे आपकी रिकॉग्नाइजेशन सेक्शन और भी स्ट्रांग होगा. चलिए अब अगला नंबर पिक करते हैं, वेयर इज नंबर 2, पिक द नंबर 2, वेयर इज नंबर 2, इज दिस नंबर 2, इज दिस नंबर 2, यस, वेरी गुड. तो देन वेयर इज नंबर 2, हियर इज इट, देन पुट द नंबर 2 हियर, एंड नाउ पिक द नंबर 3, वेयर इज नंबर 3, इज दिस नंबर 3, नो, वेरी गुड, इज दिस नंबर 3, वेरी गुड, यस, इट्स नंबर 3, देन वेयर इज नंबर 3, यस, हियर इज इट, देन पुट योर नंबर 3 हियर. देखिए, आप इस तरह से इस गेम को खेलेंगे और अपने रिकॉग्नाइजेशन सेक्शन को स्ट्रांग करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डू प्रैक्टिस इट एट होम.